रैपिड एक्शन फोर्स के कमांडर ने बताया कि आरएएफ फोर्स की टीम अपनी एक्सरसाइज के कार्यक्रम के तहत पूरे शहर में अलग अलग संवेदनशील क्षेत्रों में फ्लैग मार्च तो करेगी ही, साथ ही साथ आरएएफ के अधिकारी मोहल्ले व बस्तियों में पहुंचकर वहां के जिम्मेदार लोगों के साथ संवाद करेंगी और उस क्षेत्र के बारे में जानकारी एकत्रित करेगी। हम आरएएफ को रिप्रेजेंट करते हैं। आरएएफ की यहाँ पर एक टीम इंदौर में इस समय आई हुई है, जो कि एक हमारा रूटीन एक्सरसाइज है जिसको हम फैमिलराइजेशन एक्सरसाइज कहते हैं। इस कार्यक्रम के अंदर हम जो भी संवेदनशील जिले हैं वहाँ पे जनरली विजिट करते हैं, वहाँ के सिविल एडमिनिस्ट्रेशन से मिलते हैं, लोगों से मिलते हैं, जो प्रोमिनेंट लोग हैं, मुख्य लोग हैं, उनसे मिलकर वहाँ पर हम मीटिंग्स करते हैं, उस एरिया के बारे में जानकारी इकट्ठा करते हैं, उस क्षेत्र में पहले किस तरीके की वारदात हो चुकी है वो सब जानकारी हमारे द्वारा इकट्ठी की जाती है, क्योंकि हमारा काम ही इस तरीके का है। जैसा फोर्स है रैपिड एक्शन फोर्स, कहीं पर अगर कोई घटना होती है तो हम त्वरित कार्रवाई के लिए वहाँ पहुँचते हैं। तो ये उससे रिलेटेड हमारी एक्सरसाइज है जिसके लिए हम यहाँ आए हुए हैं। इस तरह की रैपिड एक्शन फोर्स द्वारा एक्सरसाइज कर क्षेत्रों में पहुंचकर घटना संबंध में जानकारी एकत्रित करना एक महत्वपूर्ण कार्य होता है, ताकि कोई घटना हो तो वहां तुरंत पहुंचकर स्थिति को संभाला जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, डिजियाना न्यूज, इंदौर।